आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, बिहेव क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ -0 -π/2 टू 0 मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स। क्वेश्चन हमें क्या दिया है कि क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले क्या, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 टू 0, ये हो जाएगा क्या, मॉड ऑफ हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या कर, ये जो ये ग्राफ किसका, ये डायग्राम किसका है यहाँ पर, ये साइन एक्स का है और ये किसका हो जाएगा यहाँ से, ये क्या, ये कॉस एक्स का है। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, -π/2 से 0 देखना है। इट मीन्स जो ये पॉइंट होगा क्या हो जाएगी यहाँ से, ये -π/2 होगा और ये क्या 0 होगा। -π/2 से 0 की बात करेंगे तो जो मॉड एक्स साइन एक्स होता है वो क्या होता है, -π/2 से 0, इट मीन्स हम यहाँ पे कहीं हैं इसकी वैल्यू। तो ये क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, साइन क्या नेगेटिव रहेगा। सिमिलरली कॉस की बात करें तो कॉस भी किस में, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या, कॉस भी नेगेटिव होता है। तो इसको मैं जब यहाँ सिंप्लीफाई करूँगा तो हमें यहाँ पे आई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, आई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 टू 0, ये हो जाएगा यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू क्या आ जाएगा यहाँ से, ये डी एक्स आ जाएगा। तो जब यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस साइन हम कॉमन ले लेंगे, जब माइनस साइन कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा π/2 टू हो जाएगा यहाँ से, हो जाएगा क्या साइन एक्स हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा यहाँ से कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो जब इसको मैं यहाँ से सिंप्लीफाई करूँगा तो हमें यहाँ पर आई की वैल्यू क्या मिली, जब इसको मैं यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। तो यहाँ से क्या जाएगा, माइनस में हो जाएगा कॉस एक्स, प्लस जब कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस में साइन एक्स हो जाएगा। और लिमिट क्या आ जाएगी यहाँ से, हो जाएगा -π/2 से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन की सीधा साइन कहाँ है हमारा, इस थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए हमने इसको नेगेटिव ले लिया। और कॉस कहाँ था, ये सेकंड क्वाड्रेंट में था, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए इसको हमने यहाँ से कॉस नेगेटिव हो गया है। तो अब जब इसकी हम यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो हम यहाँ पर आई लिमिट क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इट मीन्स ये हो जाएगा क्या, माइनस ऑफ हो जाएगा यहाँ से क्या, कॉस 0 हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा यहाँ से ये साइन 0 हो जाएगा। ये हो गया क्या, अपर लिमिट हो गया माइनस इस, तो माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर, तो माइनस साइन के साथ यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हो जाएगा माइनस में आ जाएगा क्या, कॉस ऑफ हो जाएगा -π/2, प्लस में हो जाएगा यहाँ से क्या, कॉस साइन ऑफ हो जाएगा यहाँ से, साइन ऑफ आ जाएगा यहाँ से, माइनस ऑफ हो जाएगा π/2। तो इसको हमें इस तरीके से राइट डाउन करेंगे। और हमें पता है कि कॉस माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, और साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस में साइन थीटा होता है। तो यहाँ से हमें आई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, आई इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ हो जाएगा यहाँ से, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, माइनस वन होती है, कॉस जीरो की वैल्यू वन होती थी क्या, माइनस वन हो जाएगा, प्लस साइन जीरो जीरो, माइनस कॉस π/2 क्या हो जाएगा यहाँ से, कॉस ऑफ हो जाएगा ये π/2 आ जाएगा, फिर माइनस में आ जाएगा यहाँ से क्या, ये हो जाएगा साइन π/2 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे आई की वैल्यू क्यों मिल जाएगी, हो जाएगा माइनस ऑफ हो जाएगा यहाँ से माइनस वन, माइनस में आ जाएगा यहाँ से हो जाएगा जीरो, माइनस में हो जाएगा यहाँ से क्या वन आ जाएगा। तो जब इसको मोर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ से आई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, आई इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ हो जाएगा माइनस वन प्लस वन, कंप्लीट क्या हो जाएगा यहाँ से, ये 0 आ जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।